बिजनौर खबर टीवी की टीम आज जो आपको खबर दिखाना आई है वो खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस कदर पानी बढ़ा हुआ है। अगर आप पानी लेवल की बात करें तो खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है दर्शकों को मैं आपको बता दूं, बिजनौर में लगातार, क्योंकि ये उत्तराखंड के नज़दीक है और उत्तराखंड में केदारनाथ में आप देख ही सकते हैं वहाँ बादल फटने पर क्या हालात हुई है। 100 लोग बिजनौर के फंसे हुए हैं, लगातार जिला प्रशासन उन्हें निकालने की कोशिश करने पर लगा हुआ है और बिजनौर के कुछ लोग भी गए हुए हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन मेरा जो आज खबर दिखाने का मुख्य उद्देश्य है दर्शकों, वो देखिए आप पानी किस तरीके से बह रहा है और ये गंगा बैराज है और यहाँ आने की परमिशन हर आम आदमी को नहीं होती दर्शकों, क्योंकि मीडिया के कुछ कर्मी हैं, अच्छे मीडिया पत्रकार लोगों को यहाँ आने की अनुमति होती है। तो उसमें से आपका एक भाई भी है और एक जिले का टॉप चैनल है बिजनौर खबर टीवी, इसलिए अनुमति मिली और मैं आपको लाइव वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि बिजनौर में आखिरकार पानी बैराज पर कितना है। लगातार अगर बात करी जाए तो पिछले साल इतना पानी था कि बैराज पर आवाजाही बंद भी कर दी गई थी। अब मैं बात करना दिखाना चाहता हूँ कि बिजनौर के नज़दीक एक गांव पड़ता है चंदपुरा, जहां पर 3 बच्चे डूब गए थे। लगातार प्रयास किया जा रहा है माँ बाप की ओर से, क्योंकि उन बच्चों की अभी तक लाश नहीं मिली, लेकिन मैं पानी देखने के बाद ये अनुमान लगा सकता हूँ कि उनकी लाश आसपास तो नहीं है, क्योंकि अगर आसपास होती तो अब तक मिल जाती। महीनों गुजर चुके हैं और माँ बाप आस लगा रहे हैं कि आखिरकार हमारी औलाद कब आएगी, बड़ा सवाल। दर्शकों मेरी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना और मैं 10-10 किलोमीटर दूर जाकर प्रयास करता हूँ कि अपने दर्शकों को घर बैठे खबर मिलती रहे। तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों।